हाय फ्रेंड, आज हम आपको मटन के पाए बनाना बताएंगे, जो आजकल सर्दियों की बहुत स्पेशल रेसिपी है, हर घर में बनते ही हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये दो पाए हैं मटन के, ये धोकर रख लिए हमने, वाश कर लिए थे इनको। आटे से अच्छी तरह वो गर्म पानी में साफ़ करें। वो 1.5 चम्मच तेल लगेगा, क्योंकि इसमें ऑयल कम डलता है, क्योंकि खुद ही इतने वो ऑयली रहते हैं। इसके लिए हम सूखे मसाले देख लेते हैं। 2 चम्मच हमने पिसी धनिया लिए, 2 चम्मच पिसी मिर्चें हैं, और 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच हल्दी है। और ये हम बघार में लगेगा थोड़ा सा खड़ा गरम मसाला है। 3 चम्मच लहसुन अदरक लिया है, और 2 डलियाँ हैं प्याज के लिए, और 1 चम्मच नमक है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा नमक कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम पायों को बॉईल करेंगे। इसमें थोड़ा सा नमक डलेगा और 1 चम्मच लहसुन अदरक, ये डाल के इन्हें बॉईल करेंगे। 4-5 सीटियाँ लगेंगी। अब इसमें हम पाए डाल देंगे कुकर में, और 1 कटोरा भर के हमने वो लिया है पानी, और 1 चम्मच जो नमक लिया था ना वो डाल देंगे, वो 1 चम्मच ही लहसुन अदरक डालना, उसी में से थोड़ी सी प्याज भी डाल देंगे, और इसको सीटी लगा देंगे 4-5। ये हमारे पाए बॉईल हो चुके हैं, ये देखिए। अब हम मसाला बघारते हैं। 1 भगोने में ऑयल डाल देंगे, इसको तपा लेंगे थोड़ा सा। जब तक ऑयल गर्म हो रहा है हम प्याज पीस लेते हैं, और इसमें खड़ा गरम मसाला डालेगा। ये प्याज हमारी पीस चुकी है, हमारा ऑयल भी अब गर्म हो चुका है। इसमें हम खड़ा गरम मसाला डाल देंगे, उसे 2-1 मिनट तक सोटे कर लें, फिर मसाले डालेंगे। लहसुन अदरक डाल देंगे, इसे भी 2-3 मिनट तक अपन को फ्राई करना है, ताकि लहसुन अदरक की कच्ची स्मेल चली जाए। लहसुन अदरक तल गया, इसको तलना बहुत ज़रूरी रहता है, इससे ही सालन बहुत अच्छा टेस्टी बनता है। दो तीन मिनट तलने के बाद हम सूखे मसाले डाल देंगे इसके अंदर, इसे भी पानी डाल के थोड़ा सा अपन भूनना है, और प्याज भी डाल देंगे इसी में। इसको अच्छी तरह आप मसाला भून लेंगे तो बहुत अच्छा मसाला भुन जाएगा इसमें। अब इस मसाले को हम स्लो फ्लेम पे हम पकने देते हैं, ताकि इससे अच्छी तरह पक भी जाएगा, थोड़ा ढक देंगे तो जल्दी भुनेगा मसाला। अच्छे से भुनने के लिए अपन को 20 मिनट तक अच्छी तरह भूनना है मंदी आंच पे। ये हमारा मसाला हो ही था है, समझिए। देखिए नमक भी थोड़ा सा डाल देंगे, क्योंकि अपन ने पहले भी डाला था ना, इसलिए इसमें मसाले में कम नमक डलेगा, अपन ने बॉईल में डाल दिया था। ये ऑयल इसका ऊपर आने लगा, मसाला हमारा हो चुका है। अच्छे से भुनने के लिए अपन को 20 मिनट लगेंगे। अब हम इसके अंदर पाए डालना शुरू करेंगे, और जितना अपन पाए को अच्छी तरह उबालते हैं ना, उतने ही अच्छे बनते हैं, क्योंकि अपन अलग से पानी नहीं डालते इसके अंदर, इसी का ही पानी डालता है, इससे ही तो सौंधापन आता है और टेस्टी लगते हैं इसके शोरबे से। अब इसको हम 5-7 मिनट तक इसको खदकने देंगे, ताकि इससे ऑयल ऊपर आ जाएगा, और अपना खदकने के बाद गैस बंद कर देंगे गरम मसाला डाल के। इसमें गरम मसाला डाल के 2-1 मिनट तक ढक दें आप, इससे अच्छी खुशबू आएगी, और हरा धनिया भी डाल दें इसमें, कोथमीर। हमारे पाए बन चुके हैं, ये हमारे पाए तैयार हैं। अब हम गैस बंद कर देंगे। अब इसके साथ ज्वार की रोटी बनाएंगे। अब देखिए, ये हमने थोड़ा सा आटा लिया था, इसके अंदर नमक डाला, हल्का सा गर्म पानी लेके हमने आटा गूंद लिया था, और ये इसमें मसल के आटे को दो हमने रोटियाँ बनाई हैं ज्वार की। इसके साथ बहुत ही मज़ेदार लगता है सालन। पायों के साथ में ज्वार की रोटी की तो जोड़ है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं, हमारी रेसिपी तैयार है। चलिए अपन खाते हैं ज्वार की रोटी, घी लगा के खाइए गर्मा गर्म। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए,
हमारे चैनल को। थैंक यू।